नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ध्यान साधना से पूर्व क्या गलती एक साधक करता है, जिसके कारण उसकी ध्यान साधना, उसकी नाम जप साधना, उसकी मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ, किसी भी प्रकार की साधना का साधक है, ऐसी कौन सी गलती करता प्रारंभ में जिसके कारण उसकी साधना अच्छा फल नहीं प्राप्त होता, उसकी साधना चलती नहीं, उसकी साधना सफल नहीं होती। बहुत सारे साधक है, खास करके नाम जप के और स्तोत्र पाठ के, मंत्र पाठ के, ऐसे बहुत सारे साधक है। ध्यान साधकों का कुछ न कुछ तो अनुभव हो ही जाता है, पर जो इस प्रकार के और साधक है उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और प्रश्न भी पूछते रहते हैं कि गुरु जी, मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, कोई अनुभव नहीं हो रहा, मेरी जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, ध्यान साधना या नाम जप साधना क्या केवल बस ऐसे ही है? तो मैं उनको बताना चाहता हूं, भाई देखो, गलती कुछ हमारे अंदर है ना। आपके साथ आप दो व्यक्ति एक साथ साधना शुरू की, एक व्यक्ति उस साधना में आगे निकल गया और आप वहीं बैठे। सेम उसी तरीके से जैसे एक स्कूल में, एक विद्यालय में, एक ही क्लास में पढ़ने वाले तीन चार विद्यार्थियों में देखा जाता है, एक विद्यार्थी बहुत तीव्र गति से याद कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो अच्छे पद पर पहुंच जाता है। एक वही विद्यार्थी जो उसके साथ का है, उसी स्कूल में जा रहा, उतना समय दे रहा है, पर वो विद्यार्थी पीछे रह जाता, फेल हो जाता है, जीवन की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाता है। तो क्या इसमें दोष किसका है? ना दोष उस टीचर का है, ना दोष उस विद्या का है, दोष तो खुद का है। इसी प्रकार साधना में जो दोष है हमारे खुद के दोष ही। तो कुछ इस प्रकार से कार्य साधक करता है जिसके कारण उसकी सफलता नहीं मिल पाती। तो चार बातों का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है एक साधक के। सबसे पहला, बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि जो साधना करने के लिए जब जाते हैं तो लगभग लगभग लोग ऐसे जो बिना स्नान के ही साधन कर रहे हैं, हाथ पैर धो लिए बैठ गए, पाठ करना शुरू कर दिए। अब सोचिए कि स्नान की बातें बार बार क्यों कही जाती साधन? ये शरीर में जितने रोम छिद्र हैं, ये सारे रोम छिद्र अपवित्र हैं, इससे मल मूत्र निकलता रहता है। शरीर में वैसे नौ छिद्र हैं, इसके अलावा अनगिनत रोम छिद्र हैं, इनसे गंदगी निकलती है। जब तक आप बाहरी शुद्ध नहीं होगे, आंतरिक शुद्धता नहीं आएगी। और दूसरी चीज होती कि आपका मन भी नहीं बनेगा, आप बिना नहाए बैठोगे साधना नहीं होगी, ध्यान लगेगा नहीं, आपको एक आलस्य रहेगा। वहीं आप स्नान कर ले तो आपकी तंद्रा आलस्य दूर हो जाएगी, साधना बनने लगेगी। तो सबसे पहली गलती साधक करता है कि बगैर स्नान के साधना करता। इससे आप ये समझ जाइए कि बहुत अच्छी तरक्की नहीं मिलेगी। हाँ, ना से तो कुछ अच्छा है ही, लेकिन बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ी तरक्की या बहुत बड़ा अनुभव इसमें आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, इसी से मिलती जुलती कुछ बातें हैं। जैसे कई साधक जो शादीशुदा है, वो लोग पति पत्नी साथ में रहते हैं, तो इसी अवस्था में जो साधक को कभी भी साधना करते तो बिना नहाए मत करें। आप नित्य क्रिया से जाते हो, आप अपना मलमूत्र त्याग करने जाते हो, तो उस समय भी सोच असोच का ध्यान देना पड़ता है। देखो, बिना सोच असोच का ध्यान दिए भी साधना नहीं हो सकती। तो सफलता आप जब कुछ भी सक रहे हो, आप नाम जप कर लो, कुछ भी कर लो, अलग बात है, कर सकते हो, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ मिलना चाहिए। बाल कटिंग करा कराओ तब भी आपको स्नान करना, जो चीज अशुद्ध होने के बाद शुचिता जरूरी है, उसकी शुचिता का, यानी सब मिलाकर के शुचिता का ध्यान रखना, नंबर एक। नंबर दो बात, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जब वो साधना करने जाते तो जो पहले कपड़े कल पहने थे, परसों पहने थे, वही कपड़े पहन देते हैं, गंदे मैले कुचैले। आप ऐसे मत जाए, साधना में आनंद नहीं आया। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए बिल्कुल गंदा, बिल्कुल गंध मार रहा हो, और एक व्यक्ति अच्छे से अपना साफ सुथरे ढंग से आए, तो आप किसे पसंद करेंगे? जो साफ सुथरे ढंग से आया है ना। तो यही बातें वहां भी,
ईश्वर चाहते हैं कि मेरे पास आने वाले व्यक्ति थोड़ा सा साफ सुथरा होकर आए। मन बनता है, ईश्वर क्या चाहते हो अलग बात है, लेकिन अपना मन तो बनेगा। व्यवहारिक चीजों को हम लोग को समझना चाहिए। हम लोग व्यवहार से मनमानी व्यवहार नहीं, मनमाना आचरण नहीं, कुछ बातें होनी चाहिए जिसमें आप साधना करते हो। उस वस्त्र को पहनकर आप लोग तो कम से कम मलमूल, चलो ठीक है आप, लेकिन कम से कम आप मल त्याग तो मत करो। पोशाक अगर आप ऐसी अवस्था में जाते हो, घर के बाहर चले गए या कहीं चले गए, तो कम से कम उसको दोबारा धुल दीजिए, उसी से साधना कीजिए। या तो एक वस्त्र आप निकाल दीजिए, और वो वस्त्र जो होना चाहिए अच्छा, ऐसे ढीला ढाला होना चाहिए, थोड़ा सा कलरफुल हो या सफेद हो किसी प्रकार से, लेकिन वो थोड़ा सा ढीला ढाला हो, आनंद देने वाला हो। वही दो पोशाक आप रख लीजिए, उन्हीं को आप साधना में पहनिए, उसके बाद बदल दीजिए। कितना टाइम लगता है ड्रेस बदले करने में? 2 मिनट, 4 मिनट। हम लोग खुद करते हैं, पोशाक दिन में अलग पहनते, लेकिन साधना के समय दूसरा ही पोशाक होता अपना, उसको हम पहन कहीं नहीं जाते। फिर उसको धुली जाएगी, फिर पहना जाएगा, उसमें मलमूत्र का त्याग वर्जित होता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है साधना में। तो अगर इस प्रकार जाओगे तभी साधना में सिद्धि मिलेगी। तीसरी अहम बात, जिस जगह से हम लोग साधना शुरू कर रहे हैं उस जगह की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, या आप जहां मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, वहां की साफ सफाई। वहां पर देखो तो कुछ जैसे जूठा पड़ा होगा, कल के फूल पड़े हैं, अगरबत्ती जल कर पड़ी हुई है, धूप बत्ती, ऐसे मतलब कोई साफ सफाई नहीं मंदिर में। मंदिर का और आपका पूजा स्थल, आपका जहां पर नाम जब साधना या ध्यान साधना करते, वो जगह थोड़ी साफ सुथरा शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध होने से भी साधना में तीव्रता सिद्धि नहीं आती, आपका मन ही नहीं बनेगा, सिद्धि कहां से? तो जो भी साधक इस प्रकार की गलती कर रहे हैं उनको सीखना चाहिए। सबसे प्रमुख और अंतिम बात, जैसे आपकी साधना खत्म होती है उसी समय कई साधक पानी पीना शुरू कर देते, चाय पीना शुरू कर देते। आप साधना के बाद ठीक है अगर चाय पी लिए तो थोड़ा चलेगा, लेकिन पानी ठंडी चित्त बिल्कुल नहीं टच करना है। और कई लोग तुरंत घर के बाहर निकल जाते घूमने टहलने, आप ऊर्जा को लिए हो, उस ऊर्जा को अपने अंदर शोषित कीजिए, उस ऊर्जा को अपने परिवार में, अपने घर द्वार में बांटिए, उस ऊर्जा को आप मत दूसरे को दे। आप अभी पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के उठे हो, बाहर मिल गया कोई ऐसे निगेटिव ऊर्जा वाला, आपकी सारी ऊर्जा छीन हो जाएगी। आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को, जो पॉजिटिव वे है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो दैवी ऊर्जा है, उसको घर में बिखरने दो, अपने आप समाहित होने दो अपने आप। इस प्रकार से अगर आप साधना करते हो, चार प्रमुख बातों को ध्यान रखोगे, तो आपकी ध्यान साधना, नाम जप साधना, कोई भी साधना बहुत आगे जाएगी। हमें विश्वास है दिव्य चर्चा समझ में आई होगी। समझ में आपके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।